अभिनंदन। नरेंद्र मोदी भले ही ब्रिटेन दौरे पर हैं, लेकिन वहां से भी वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी बुधवार को यहां टेम्स नदी पर स्थित लिंगायत संत बसवेश्वर की मूर्ति के सामने प्रार्थना करेंगे। 2015 में मोदी ने ही इस मूर्ति का अनावरण किया था। इसे कर्नाटक चुनाव से एक महीने पहले लंदन से मोदी का लिंगायत कार्ड माना जा रहा है। कांग्रेस ने पहले ही इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की है। राज्य में इस समुदाय की आबादी 17% है और ये चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें कि कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 15 मई को नतीजे आएंगे। मोदी ने 1:41 का वीडियो भी पोस्ट किया। मोदी ने बुधवार को संत बसवेश्वर को याद करते हुए एक ट्वीट किया। इसके साथ उन्होंने 1:41 का एक वीडियो भी पोस्ट किया। यह वीडियो 2015 का है, जब मोदी ने संत बसवेश्वर की इस मूर्ति का अनावरण किया था। इसमें मोदी कह रहे हैं, ओम श्री गुरु बासवालिंगाय नमः। भगवान बसवेश्वर के वचनों से, उनकी शिक्षाओं से बने 7 सिद्धांत इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह है, आज भी इस जगत को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़े हुए हैं। आस्था किसी के भी प्रति हो, किसी की भी हो, हर किसी का समान हो, जाति प्रथा अछूत जैसी बुराइयां न हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, इसका वो पुरजोर समर्थन करते हैं। उन्होंने हर मानव में भगवान को देखा। उन्होंने कहा था, देहविदेगल अर्थात यह शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा ही भगवान है। वुमेन एम्पावरमेंट इक्वल पार्टनरशिप सिर्फ कहा नहीं, व्यवस्था साकार की। समाज के हर वर्ग से आए महिलाएं अपने विचार व्यक्त करती थीं। हमारे लिए यह बहुत ही गौरव का विषय है कि भारत की धरती पर 800 वर्ष पहले इन विचारों को भगवान बसवेश्वर ने जन भावनाओं और जनतंत्र का आधार बनाया।